वेलकम टू फ्यूचर अद्वैता चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ अपॉक्सी टेबल टॉप किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों चार मैंने इसके अंदर डिजाइन अलग अलग तरीके से कर रखे हैं, ये देखिए। दोस्तों जो सा इसका डाया है ये 16 इंची का, जो सी इसकी थिकनेस है ये मैंने MDF लिया है, इसकी थिकनेस 17 mm के करीब है। पीछे इसमें माइका लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपॉक्सी से तैयार किया है। और दूसरा भी अपॉक्सी, आपको शाइनिंग नजर आ रही होगी, कितनी जबरदस्त शाइनिंग है। ये येलो में हमने तैयार किया, मार्बल टच दे रखा है, ये देखिए, व्हाइट और ऑरेंज में हमने। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे जो से हमने टेबल टॉप इसके तैयार किए हैं ये हमें जो सा मटेरियल कितने का पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 10,000 की किट मंगाई है। तो दोस्तों इसके अंदर मेरे टेबल टॉप जो से 30 टेबल टॉप तैयार हो जाएंगे 16 इंची के डाई के अंदर, यानी कि अगर स्क्वेयर फुट की बात करें तो यानी कि 60 स्क्वेयर फुट के करीब हो जाएंगे। अगर दोस्तों कोई भी मेरा बहन भाई यानी कि बिजनेस करना चाहता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। कैसे, यानी कि ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए, 500 गज का चाहिए, तो आप 10x10 के रूम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रोडक्शन निकाल सकते हो और अपना घर में काम कर सकते हो इसके साथ। दोस्तों इस वीडियो में जो उनसे अपॉक्सी टेबल के बारे में हमें जानकारी देंगे उनका नाम है धर्मेंद्र जी। दोस्तों कम से कम अपॉक्सी टेबल की फील्ड में उनको कम से कम 14 से 15 साल हो गए हैं। जो भी 14 से 15 साल का उनका निचोड़ था इस वीडियो के अंदर उन्होंने आधे घंटे में दे दिया है। अगर किसी बहन भाई को अगर इस वीडियो के जरिए नहीं पता लगता, दोस्तों वो ट्रेनिंग भी देते हैं, 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहे होंगे। दोस्तों 4-5 दिन की ट्रेनिंग का आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि उनका स्वभाव इतना बढ़िया बहुत ज्यादा है। आप मुझे पता, 4-5 दिन की ट्रेनिंग में आप एक अच्छे कलाकार बनके निकलो। अच्छे कलाकार बनके क्यों निकलोगे? क्योंकि आपके पीछे धर्मेंद्र सर जी का हाथ होगा। और दोस्तों जिनसे इस वीडियो का हमने लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 15,000 का रखा, वो मुझे मेरे पता, मेरे भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। और दोस्तों हाँ, इन चारों में से हम कौन सा टॉप तैयार करें आपको मैं दिखाता हूँ नजदीक से। ये वाला तैयार करें या ये वाला तैयार करें या ये वाला इनमें से तैयार करें, जल्दी बताइए। सामने बैठे चुप करने से बात नहीं चलेगी। 4 आदमियों में से बोला है किसी ने ये वाला तैयार करो, 10 आदमियों की आवाज आई है ये वाला तैयार करो, ज्यादा आवाजें मुझे पिंक की गूंज रही है मेरे, ये वाला। तो दोस्तों मुझे भी ये वाला ज्यादा पसंद है तो इस पर हम तैयार करते हैं। ये किस तरीके से तैयार होता है चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम लोग काम चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जरूरत पड़ेगी एक वेट मशीन की और एक डिस्पोजल ग्लास की। इसको हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और इसका वजन चेक कर लेंगे कि अपना वजन आ चुका है इसका। तो इसको हम लोग टेयर करेंगे और FS21 का हार्डनर सबसे पहले काम लेंगे। पर स्क्वायर फीट 50 ग्राम के हिसाब से ये 16 × 16 / 144 करते हैं तो 1.8 स्क्वायर फीट आता है। तो हम लोग 90 ग्राम सारा केमिकल बनाएंगे। इसके लिए हमें ये 2:1 का है तो हमें 45 ग्राम ये मिलाना है और 45 ग्राम हमें मीडियम मिलाना है। ये 2:1 है इसलिए हमने ये 15 ग्राम और ये रेजिन 30 ग्राम लेना है। हमने 15 ग्राम प्राइमर हार्डनर ले लिया है FS21। अब हम लोग 30 ग्राम रेजिन देंगे। हमेशा पहले हार्डनर डालना चाहिए आपको, इससे क्या होता है मिक्सअप अच्छे से हो जाता है। ये हमने 30 ग्राम रेजिन ले लिया है। दोस्तों एक ध्यान रखना है, रेजिन और हार्डनर अपना काम कर चुके होते हैं, अब इसका टाइमिंग अभी से चालू हो चुका है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि 10:10 हो चुके हैं तो अभी हमें इसके अंदर 20 मिनट का टाइम मिलेगा काम करने का। मगर ये एक टॉप है इसमें 20 मिनट हमें देना है, मगर ये केमिकल जो बना है ये 15 स्क्वायर फीट से 20 स्क्वायर फीट तक का काम करने के लिए बना हुआ है। अभी हम लोग ले रहे हैं पार्ट बी मीडियम। दोस्तों इन सबको एक साथ ही डालना है आपको, अलग अलग करके नहीं डालना है। जब एक साथ जब डाल दोगे ये अपना सारी कार्यक्रम चालू कर चुका होगा, मगर एक के बाद दूसरे मिलते ही इसका टाइमिंग चालू हो चुका है। ये हम इसको डालेंगे 22 ग्राम। तो हमने 45 ग्राम ये डाल दिया था और अब 45 ग्राम ये 1:1 का है इसलिए हम लोग 22 ग्राम और 22 ग्राम लेंगे इसको। हर बार केमिकल डालते समय टेयर करना अति आवश्यक है ताकि आप इसमें मात्राओं का गलत चयन ना कर पड़े। ये हमने ये भी 22 ग्राम इसमें डाल दिया। दोस्तों काम चालू करने से पहले हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लें। अब हम इसमें 5 ग्राम व्हाइट पेस्ट बनाएंगे। अब देखिए अभी हमारे सतह के नीचे कुछ भी नहीं गिरा है,
इस केमिकल की जो सबसे अच्छी विशेषता ये है, आप अपने हिसाब से कोई भी केमिकल ले सकते हैं, पर मैं मेरे केमिकल के बारे में आपको तसल्ली से बता देता हूँ, ये एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा इसके अंदर जब तक आप गिराना नहीं चाहोगे। जितना बनाओगे उतना ही आपका लगेगा। ये हमने टोटल इसके अंदर 90 ग्राम केमिकल बनाया है, क्योंकि 1.8 स्क्वायर फीट था ये वाला, हमने 16x16 का लिया है। सबसे पहले केमिकल मिलाने के बाद आपको आधा केमिकल, जितना भी बना आपका आधा केमिकल सतह पे डाल दें, ऊपर की सतह को ही कायम करना अपने को। सबसे पहला जो अपने पहला केमिकल डाला है किनारे पे, बाद में जाएंगे हम लोग स्लो स्लो करते हुए। अब जो बाकी अपना केमिकल बचता है उसको केवल हम लोग किनारों किनारों पे डालेंगे। काम को आहिस्ते से करना है आपको, और हाथों का इस तरह से घुमाना है ताकि गोलाई पे चला जाए। इससे आपका केमिकल बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और MT रेजिन आर्ट इंडिया जयपुर से सर्च करके आप वहाँ पे भी मेरी वेबसाइट से और मेरे लोकेशन पे आके बात कर सकते हैं। जब आप ये सारा काम कर चुके होते हैं, अब उसको केवल हीटअप करना है आपको, और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। हीट करने के लिए आपको ये ब्यूटी हंटर्स काम में लेनी है, इसमें आपको हीट गन काम नहीं लेनी है। देखिए इस ब्यूटेन टॉर्च को जब आप इसके ऊपर करते हैं तो इसको जलाना नहीं है, केवल हीटअप करके छोड़ देना है। देखिए हमारे केमिकल में जो हमने प्राइमर मिला था और मीडियम मिला था, उससे इसकी ताकत इतनी अच्छी हो गई है कि किनारों पे कुछ भी नहीं गिरा है नीचे, और जो लगाया किनारों पे ठहर चुका है। आमतौर पर जो केमिकल होते हैं नीचे गिर जाते हैं। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर बेस कोट का काम चालू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने इसके ऊपर प्राइमर किया था, ये प्राइमर पूरा सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग जो ये बेस कोट लगा रहे हैं WSL 11 और इसका मीडियम, तो अब हम लोग उसको काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें जो काम जरूरत पड़ेगी, हम जो टेक्सचर डालने वाले हैं, देखिए इस बेस कोट को जो हम मिक्स करेंगे, पिछली बार हमने मिलाया था ओपेक पेस्ट, इस बार हमको कुछ चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग लेंगे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड कलर, जिसमें हमने लिया है रेड और ब्लैक, और साथ में मिलाएंगे हम लोग पर्ल पाउडर, जिसको माइका पाउडर बोलते हैं, पर्ल पाउडर मिलाएंगे, और साथ में मिलाएंगे ओपेक पेस्ट। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं काम इसका। इसके लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले वेट मशीन की, और एक डिस्पोजल ग्रास की, और इसके लिए एक स्टिक जो इसके अंदर मिक्स होगी, उसी तरह से हम लोग ये केमिकल इसमें पोर करेंगे। तो चालू करते हैं दोस्तों हम लोग इसके ऊपर बेस कोट लगाना। बेस कोट लगाने के लिए वीविंग मशीन को आपको जीरो करना है और टेयर करना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका मीडियम का हार्डनर। मीडियम का हार्डनर थोड़ा पतला होता है तो मिक्सअप करने में आसानी होती है, दूसरे थोड़े से थिक होते हैं, इसलिए हमें पहले मीडियम का हार्डनर डालना है। ये भी हमें 15 ग्राम ही डालना है इसके अंदर, क्योंकि ये 2:1 का रेशियो है। 15 ग्राम हमने हार्डनर डाल दिया है बेस कोट का मीडियम, और ये डाला हमने जीरो करने के बाद 30 ग्राम रेजिन। अब हमें डालना है 22 ग्राम इसका रेजिन और 22 ग्राम हार्डनर WSL 11। हर बार टेयर करना जरूरी होता है ताकि आपको अनुपात बराबर मिलता रहे। टेयर करने का मतलब होता है हर बार जीरो जरूर करें। अभी हमने इसको बना लिया है, बनाने के बाद हम इसको पूरा मिक्सअप करेंगे, 2 से 3 मिनट तक पूरा मिक्सअप करना है इसको। देखिए हमने जो केमिकल बनाया था उसमें से 10 ग्राम केमिकल अलग निकाल लिया है, क्योंकि हम इसमें वाइट मिलाने वाले हैं। पहले इसमें हम लोग वाइट मिला लेते हैं थोड़ा सा, ये वाइट ओपेक पेस्ट है। अच्छे से मिक्स करके इसको रख देते हैं हम लोग। हमें 100 ग्राम के ऊपर कम से कम 5 ग्राम पल मिलाना। हमें 100 ग्राम के ऊपर कम से कम 5 ग्राम पल मिलाना चाहिए ताकि इसका इफेक्ट अच्छा आ जाए और किनारे अच्छे से बन जाए। देखिए दोस्तों, जब हमने इसके अंदर वाइट पल मिला लिया है, अब हमें ये रेड टेक्सचर बनाना है, तो हमें क्या करना है, रेड कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड लेना है। देखिए जैसे हम लोग रेड कलर इसमें मिक्स कर रहे हैं और वाइट पल मिला हुआ है, तो ये थोड़ा सा लाइट रेड बन जाएगा। हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग और बाद में डाल देंगे इसके अंदर।
ये हमारा बेस कोट तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको वैसे ही लगाएंगे जैसे प्राइमर लगाया था। अब इसमें टेक्सचर डालने के 1000 तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कैसे भी टेक्सचर डाल सकते हैं। हमने एक टेक्सचर दिमाग में फिट किया हुआ है, हमने कैसे करना है ये मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टेक्सचर बना सकते हैं। और अधिक टेक्सचर देने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं इसका। देखिए हमारा ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड कलर है, इसका आप डायरेक्ट एपॉक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं और डायरेक्ट सरफेस पे डाल के भी काम ले सकते हैं। ये सब जगह मिक्स हो जाता है, हर चीज का इफेक्ट अलग आएगा। इसका एपॉक्सी में डालने का इफेक्ट अलग आता है और डायरेक्ट डालने का इफेक्ट अलग आता है। देखिए ये सारे टेक्सचर बन चुके हैं, हम चाहे तो इसी स्टेज पे इसको रोक सकते हैं और हम चाहे तो इसका अगला स्टेप भी ले सकते हैं। अभी हम लोग और इसके ऊपर वर्क करने वाला है, इसमें खूब सारे टेक्सचर दे सकते हैं हम लोग। मैंने थोड़ा सा ब्लैक और डाला है क्योंकि मुझे अभी इसको फैलाना है और मुझे कुछ अब और अलग से टेक्सचर देने हैं इसके अंदर। देखिए इस तरह से आप किसी का किचन का काउंटर टॉप, किसी टेबल का टॉप, किसी टीवी टेबल का काउंटर टॉप, कोई कंसोल, किसी के भी टॉप को आप इस तरह से डेकोरेटिव कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार रंग देके। देखिए अब हम लोग इसके अंदर एक टेक्सचर और देने वाले हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद में इसके ऊपर केवल एक टॉप कोट लगाएंगे और अपना प्रोडक्ट तैयार है। यानी आप सुबह उठ के अगर प्राइमर लगा लेते हैं, दोपहर में बेस कोट लगा लेते हैं और रात को टॉप कोट लगा के छोड़ देते हैं तो दूसरे दिन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है आपका। तो चलिए मिलते हैं 4 घंटे बाद। तो बेस कोट सूख भी चुका है, अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं MT रेजिन आर्ट इंडिया का टॉप कोट SL31। इसमें ये रेजिन और हार्डनर है, इसका 3:1 का रेशियो है। हम इसको 50 ग्राम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से केमिकल मिलाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे जिससे इसके ऊपर पूरा ग्लोस आ जाएगा। तो देखिए हम लोग उसको कैसे मिलाते हैं। देखिए जैसा कि हमने ये वेट मशीन ले ली है और जीरो कर दिया, हमने ये लिया है इसका हार्डनर, हार्डनर को लेंगे हम लोग 22 ग्राम और ये लिया हमने SL ग्रेड का रेजिन, MT रेजिन आर्ट इंडिया का SL31 टॉप कोट। इसको वापस जीरो करना है और 66 दोस्तों ये 3:1 का रेशियो है, इसलिए हमने 22 ग्राम हार्डनर लिया है तो इसका 3 गुना हमने रेजिन लिया है। अब इसको मिलाने के बाद हम इसको 3 से 4-5 मिनट तक हिलाएंगे। अब हमारा ये टोटल बन चुका है लगभग 88-90 ग्राम। हमारा 16x16 का टॉप है, 1.8 स्क्वायर फीट के आसपास इसका है सारा, तो हमने इसके 50 ग्राम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 90 ग्राम बनाया है। इसको हम लोग इसके 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए अभी इसके अंदर जाल है, अभी थोड़ी देर में ये एकदम क्लियर हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा तब हम लगाना चालू करेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे 15 मिनट रखने के बाद अब ये एकदम क्लियर हो चुका है अपना, अंदर जो भी बुलबुले थे सारे बुलबुले हट चुके हैं इसके अंदर से, आप अगर देख पा रहे हैं कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, एक साथ में नहीं उलटेंगे, एक साथ में उलटेंगे तो इस सेल्फ लेवल है ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए हमको क्या करना है केवल 25% पहले लगाना है इसके ऊपर 30 ग्राम के आसपास, बाकी 30 ग्राम हम लोग थोड़ी देर बाद में लगाएंगे, 30 ग्राम फिर लगाएंगे, बस इसको केवल इसकी सतह पर लगाना है। इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये केवल पोरिंग वाला केमिकल है। याद रखिए इस केमिकल को सूखने में 8 से 9 घंटे लगते हैं, मगर अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा जल्दी सूख जाएगा। इसको लगाने के बाद इसको ढक के रखना है ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल ना आए, क्योंकि जल्दी तुरंत नहीं सूखता है, सूखने में टाइम लगता है, इस दरमियान डस्ट पार्टिकल आ सकता है। और एक ध्यान रखिएगा, ये काम जहाँ पर अभी करते हो वहाँ पर आपको फैन नहीं लगाना है, क्योंकि फैन लगाओगे तो फैन से पार्टिकल्स उड़ते हैं और इसके ऊपर आके गिर जाते हैं। जब दोबारा लगाएंगे ना तो दोबारा अब आपको किनारे को जाने की जरूरत नहीं है, केवल किनारे पर ले जाकर छोड़ दीजिए उसको। दोस्तों ये केमिकल एकदम सेल्फ लेवल है, जो भी इसके अंदर
अनइवननेस था ये सारा खत्म कर देगा और आपका एकदम ग्लोसी लुक दे देगा। याद रखिए ये केमिकल सरफेस के लिए बना हुआ है, सरफेस पे ही लगेगा। आप कोई खड़ी दीवार पे लगाना चाहेंगे तो खड़ी दीवार पे ये काम नहीं करेगा, बह के नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने इसके चारों तरफ से केमिकल लगा दिया है और एक बार हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आपको हाथ घुमाना है ऐसे, एक बार हॉरिजॉन्टल किया आपने और एक बार वर्टिकल करके इसको कंघी कर देना है ताकि केमिकल इक्वल सब जगह पहुँच जाए। दोस्तों देखिए ये हमने टॉप कोट लगा दिया है, टॉप कोट लगाने के बाद आप चेक कर पा रहे हैं इतनी अच्छी ग्लोस आ रही है। इस ग्लोस को कायम रखने के लिए आपको यहाँ पे चारों तरफ से चार डब्बे लगा के इसके ऊपर से ढक्के रख देना है और 7 से 8 घंटे लगेंगे, 7 से 8 घंटे में सूखे एकदम कड़क हो जाएगा, आपका पीस प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने जिस तरह हमने काम किया, सारा हमने हाथों से काम किया कम्प्लीटली, हमने किसी को ज़्यादा मशीन का काम नहीं लिया है, वही एक हीट गन का काम लिया है इस्तेमाल और बाकी कुछ छोटे मोटे सामान जो हमारे पास लगते हैं जिसमें कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। और आप ये काम अपने हाथों से आराम से कर पाओगे, हमने इसके अंदर जो भी जो केमिकल काम दिया है। अगर आप हमसे खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ट्रेड पे हमारा नंबर दे देंगे, आप वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं और हम लोग इस चीज़ की ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप इस चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि व्यक्तिगत आपको मिलना है हमसे, आप हमसे मिल भी सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस भी दे रखा होगा और हमारे एड्रेस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए जैसे कि हमने वो सारा काम कर दिया था जो हमें करना था, जैसे कि हमें प्राइमर करना था, बेस कोट करना था, टॉप कोट करना था, उस दरमियान जो भी सारे बुलबुले आए वो नीचे की सतह पे आ गए थे, उसको हटाने के लिए हमने हीट गन का इस्तेमाल किया और एक तीखा चाकू लेके उसको हटा दिया। और ये इसलिए आसानी से हट गया क्योंकि नीचे माइका लगा हुआ था और माइका पे ये केमिकल काम नहीं करता है। जब वो सारा हट जाता है तो हमें एक मार्किंग करनी है इसके ऊपर, गोले के हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइडिंग करना है। जैसे हमारा 16 इंची का गोला था और हमें जो टेपर इसके अंदर लगने वाले थे वो अंदर अंदर से 2-2 इंची के हैं, तो 2-2 इंची कम होने के बाद 13-13 इंची का एक डायमीटर बन गया। तो हमने सेंटर मिलाने के बाद उसको 13-13 इंची के ऊपर निशान लगा दिया और जो पतला हिस्सा था सिंगल वाला वो बाहर की तरफ रखा और जो 2 हिस्से हैं वो अंदर की तरफ रखे, क्योंकि हमारा जो 8 डिग्री का टेपर है इसका वो बाहर की तरफ है और ज़्यादा अंदर भी नहीं रखा कारण कि वो पूरा बैलेंस बना रहे। और इसी तरह से हमने इसके ऊपर पान हेड स्क्रू वापस 3-3 करके स्क्रू कस दिए और जो हमने अडेप्टर लगाया उसके अंदर लोहे की एक डेबरी लगी हुई है जिसके ऊपर हम लोग लकड़ी का जो स्टैंड लगाएंगे उसमें भी लोहे का एक स्क्रू डाल रखा हम लोगों ने 3 सूत का। इस तरह से बराबर 3 भागों में डिवाइडिंग करने के बाद हम लोग ये देखिए किस तरह से लेग के इसके ऊपर फिटिंग कर रहे हैं। इसलिए ये कर रहे हैं कि ताकि हमें कभी ऑनलाइन काम करना पड़े तो हम लोग ट्रांसपोर्ट आसानी से कर पाएँ और फोल्डिंग करके किसी को भेज पाएँ। दोस्तों टेबल टॉप हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए नीचे हमने इसमें लेग्स भी लगा दिए 3, ये फोल्डिंग लेग्स हैं, आप जैसे मर्जी इसको कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।